चलो भाई हम लोग यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं हमारी फायर कवरेज गेम का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका यहाँ पे सिक्स मिशन है हेलीकॉप्टर सपोर्ट। तो हमारी जो स्नाइपर है वो यहाँ पर है हेलीकॉप्टर के अंदर और हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर अपने टीम प्लेयर को सपोर्ट। बट यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं मटकते हुए लेफ्ट से राइट। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हेडशॉट निकालने के लिए तो भाई मुझे लगता है कि अर्जुन या फिर कर्ण को ही खुद आना पड़ेगा, और आप पास जीनो भाई दोनों में से कोई भी नहीं है। बट हम यहाँ पर फिर भी कोशिश कर सकते हैं और हेडशॉट तो हम लोग लेके ही रहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिना हेडशॉट के बिना मज़ा नहीं आता ना यार। जो स्पाइसीपन जो है मसालों का, जो खाने के ऊपर जो भाई मज़ा आता है ना मसालों का, वो हेडशॉट वाला मज़ा ही होता है एकदम। अब देखो मटकता हुआ आ रहा है, थोड़ा मुश्किल काम बट मैं ट्राई करता हूँ। लिया हमने हेड, बहुत ही प्यारा, मिस हो गया बट कोई बात नहीं, आराम से। ये देखो भाई आप लोगों को मूवमेंट को ना एनालाइज करना पड़ता है कि कैसे कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, कितने ज़ॉम्बी आएंगे भाई इस गेम के अंदर। सारा दिन क्या मैं ज़ॉम्बी से ही गले मिलता रहूं? हद कर रखी है। चौर और भागते हुए आ रहे हैं, बहुत ही सही। एक काम करो ना, इनकी ब्रांच खुलवा दो मेरे घर के पास, यहीं पे खड़े होकर मारता रहूँगा, छत पे जाके हमारी खाना खाऊंगा, घूमने जाऊंगा, मारता रहूंगा इनको, ये करता रहूंगा आराम से। और वो कितने पास आ गए, ये क्या बैठ गया था उसके पास जाकर? मुझे लगा एक ज़ॉम्बी हमारे प्लेयर जाकर बैठ गया, उससे पूछा भैया क्या है सर, सैलरी वैली बढ़िया आ रही नहीं आ रही? रुक जा भाई, हेडशॉट लेने दे। अरे लेने दे हेडशॉट, हेल्थ कम बची है। ओ मर मरे मरे मरे, यस। देख सकते हैं अगर वो हमारे यहाँ पर एक थप्पड़ और मारता हम लोग मर जाते, बट आपके भाई ने यहाँ पर एंडिंग भी हेडशॉट से ही ली। 10th चैप्टर हमारा, 7th मिशन, और यहाँ पर दोबारा से आ चुके हैं शील्ड लेकर। या ग्रेनेड वाला तो नहीं, हाँ ग्रेनेड, अबे है ग्रेनेड यार, मुझे लगा था ग्रेनेड नहीं आएंगे। लो भैया उसी के ग्रेनेड से उसी के ही लोग मारे निकल यहाँ से। पहले हम यहाँ पर रोबोट को मार लेते हैं। इसी तरह से भाई गेम पे देख रहे हो, जो नॉर्मल सोल्जर हैं उनकी गोलियों का कलर अलग है, जो रोबोट्स हैं उनकी गोलियों का कलर अलग है, जो ड्रोन है भाई उसकी गोली का रंग अलग है। तो भाई बहुत टेंशन है भाई गेम के अंदर। फिनिश किया ड्रोन को हमने, बहुत सही। अबे मैं गोली मार, नीचे बैठ गया भाई। हेलो कौन पिटेगा पहले? आ गया ना ऊपर। सो गाइस आप लोगों को इनको बुलाना पड़ता है तब बाहर निकलते हैं, ऐसे बाहर निकलेंगे तो आप लोगों ने आवाज़ देनी पड़ेगी। और इतने ज़्यादा प्यारे लोग हैं ये कि जब भी आप आवाज़ दोगे अटेंडेंस देंगे सबके सब भाई, यकीन ना हो तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर। पहले से मार लेते हैं हम लोग यहाँ पर, हेडशॉट लिया, बहुत सही। कवर चलो हमारे पास है यहाँ पर अभी, आराम से बड़े बड़े बड़े, बहुत सही। एक तो ये शील्ड का कंसेप्ट बहुत गलत आया हुआ है, क्योंकि जैसे मैं अटैक करता हूँ इनकी शील्ड ऑन हो जाती है, और जैसे मैं मारता हूँ तो इतने में फिर बाकी लोग फायरिंग करने लग जाते हैं। तो अब भाई एक से लड़े हैं दूसरे से लड़े हैं, मतलब कन्फ्यूज़न बहुत है। बट आप लोग जानते हैं भाई गेम का 10th चैप्टर है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस हो चुकी है माहौल के अंदर, बहुत ही शानदार। छुप रहा था दीवार के पीछे आराम से भाई, यहाँ का चल रहा है भाई, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर। एक वहाँ से भागता हुआ आ रहा है, लो भाई आते हमने गोलियाँ धरी उसके अंदर, झाक झाक, बहुत ही शानदार। बैठे बैठे, अरे तुम क्यों आ जाते हो यार भाई, क्या क्या दिक्कत है तुम लोगों की मेरे भाई, क्या दिक्कत है, मुझे नहीं मिलना तुमसे, इतने प्यारे नहीं हो तुम। ये बचा यहाँ पे आके लास्ट रोबोट बचा हुआ है, जल्दी से मार देते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट मिशन की तरफ। निकल यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ गाइस आ जाओ, भागते हैं जल्दी से हम लोग यहाँ पर 10th चैप्टर का 8th मिशन। ऐसे ही शानदार राउंड्स हम लोगों को भाई खेलने को मिलते हैं, तो भाई हमें जीवन के अंदर और क्या ही चाहिए, मतलब आराम से मैं कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है देख सकते हैं। और मुझे आसपास काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं भाई, बहुत ही सारे, और हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम ट्राई करते हैं हेडशॉट लेने का। यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूँ, आराम से हम लोगों ने हेडशॉट ले लिया है। एनालाइज करो, चेक करो भाई कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं। अभी भाई किसी ने देख लिया यहाँ पर, पहले हम लोग इसे मारना पड़ेगा। अलर्ट हो चुका है, निकल यहाँ से, बहुत सी यार। ये तो बहुत पीछे खड़ा हुआ है, इसे कैसे मारेंगे हम लोग यहाँ पर? और आगे शायद वही बचा हुआ है, कैसे मारूँ इसको मैं? अच्छा अरे एक और भी है, अरे बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा। अब शायद एक बंदा बचा हुआ है, इसको मारूँ कैसे, इसे हेड नहीं दिख रहा। अरे मार सकते हैं शायद, लकड़ी के आर पार चला जाएगा। ये देखो भाई इसे कहते हैं स्नाइपर की ताकत, मतलब लकड़ी के प्लैंक की हमने आर पार स्नाइपर की बुलेट निकाल दी भाई। और कितनी पावर चाहिए स्नाइपर की आप लोगों को? इसका भी कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर काम तमाम, बहुत ही सही। वहाँ से यार एक मिनट यार, नहीं 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 मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि ज़ॉम्बीज भी आने वाले हैं इस राउंड के अंदर, नहीं भाई प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि स्नाइपर के साथ ज़ॉम्बीज को मारना बहुत ही ज़्यादा हेडेक है मेरे भाई। तो हम लोगों को यहाँ पे एंड करना है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्थ मांगी वैसे हम लोगों से, बट ट्राई करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। अब हम लोग आ चुके हैं इस साइड पे। अच्छा तो जो हमारा कैरेक्टर ना, ये हर तरफ से भाई एरिया साफ कर रहा है, पूरा हो चुका है हमारे यहाँ पे भाई, हाफ राउंड फिनिश, बहुत ही बढ़िया। ट्राई करते हैं आराम से चेकआउट करते हैं। बंदा दिख रहा है मुझे राइट साइड से आता हुआ, ठीक है दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, अभी दिखाते रुक जाओ, पहले से मार लेते हैं ज़रा। भाई मुंह पे गोली पड़ी, मतलब इमेजिन करो आप चल रहे हो मस्त, कह रहे हो कि यार बहुत दिन हो गए कोई लड़ने नहीं आया,
और एकदम से स्नाइपर पड़ी, अब खत्म निकल कहाँ रहा था, बहुत ही शानदार। आई गेस सब मर चुके हैं, इसको देख लिया, देख लिया, अबे बहुत प्यारा, पक्का हेडशॉट लगेगा। जब भी आप लोग गेम के अंदर ना तीनों टास्क कंप्लीट कर लेते तो आप लोग भाई ऐसी वाली गोली देखने को मिलती है, एकदम धमाकेदार वाली। लो गाइस, हमारे यहाँ पे आ चुका है 10th चैप्टर का 9th मिशन, रेरा गार्ड। ये लड़की भाई, अच्छा हम लोग यहाँ पे इस लड़की को छुड़ा रहे हैं यहाँ पर, अच्छा इसलिए अटैक नहीं कर रही है यहाँ पर ये। प्लस आप लोग जानते हैं, अरे यार ये ज़ॉम्बी फिर आ गए क्या मुसीबत है भाई। वो देखो उसके पीछे से तीन चार और भी भागते हुए आ रहे हैं यार। एक तो दिक्कत क्या है ना, देखो मैं ज़ॉम्बीज को मार लूँ कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो मटकते हैं ना, ये जिनकी कमरियाँ मटकती है भाई, उसमें हेडशॉट देने में बहुत दिक्कत होती है यार। और यहाँ पे कहते हैं इतने चालाक हैं डेवलपर्स, मिशन भी ऐसे देते हैं कि एक्यूरेसी चाहिए, इतनी ही गोलियाँ यूज़ करनी है, मतलब आदमी सर पकड़ ले अपना। निपटा इसको भी यहाँ पर बहुत बढ़िया। हाँ अब यूज़ देखो, लड़ती किसी से नहीं है ये, पर जब मैं मार देता हूँ तब सबसे पहले भाग के निकलती है। मैंने यहाँ पर गेंद यूज़ कर लिया, निकलो तुम्हारी तो सबको ऐसा गेंद से मारूंगा। ले ओ भाई, चार चार ज़ॉम्बीज को हमने एक साथ यहाँ पे गेंद से निपटाया। बट यहाँ पर ड्रोन्स कर रहे हैं मुझे दुखी, तीन तीन ड्रोन उड़ रहे हैं भाई। ड्रोन्स का फायर रेट अच्छा है, मैं बताया था ना आप लोगों को पिछली वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पर यार मेरी हेल्थ कम बची है, क्या हम लोग इनको मार पाएंगे या फिर हम लोग खुद मर जाएंगे। कितने ड्रोन बचे हैं अभी, दो ड्रोन बचे हैं भाई, कुछ भी हो सकता है गाइस। मेरी हेल्थ बहुत कम बची है और हमारे पास यहाँ पे हेल्थ की पावर भी नहीं है। क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या हम लोग हार जाएंगे? दो गोली पड़नी है मेरे पास यहाँ पर। अब भाई पीछे से ज़ॉम्बीज भी आ रहे हैं भाई, भाई 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 बहुत ही ज़्यादा टेंस माहौल है। लगता है मुझे यहाँ पर अपना सुपर सेल मोड एक्टिव करना पड़ेगा। मैं दो गोली पड़ी मैं मर जाऊँगा भाई यहाँ पर सिर्फ दो गोली पड़ी मैं मर जाऊँगा अभी। अब क्या है, मार तो दिया सबको मैंने। अभी ये कहाँ खड़ा हुआ एक बंदा, देखो लेफ्ट में दिखाता हूँ आप लोग, वो देखो, ओ आराम से आराम से, यस बहुत ही शानदार। और गाइस अब आ चुका है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 का बॉस द फैंटम, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके पास भी शील्ड है, पर इसकी शील्ड का कलर कुछ डिफरेंस है। और वे उबे फ्लैश है, इसकी स्पीड देखिए आप लोगों ने भाई, अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू का निकल रहा है इसका तो भाई। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ यहाँ पे कि इसकी गोलियों का जो मतलब डैमेज है ना वो बहुत ज़्यादा है, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ये भी एक इशू यहाँ पे है, यानी कि हम लोगों से जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कवर्स भी दे रखे हैं इन लोगों ने, तो हम लोगों को भाई कम से कम 5 हेडशॉट तो लेनी है नॉर्मल लोगों की, और उन 5 हेडशॉट के बाद हम लोगों को इसको मारना है और हमें सर्वाइव करना है, क्योंकि हम लोगों को उन हेडशॉट्स के बाद इस गोली देख रहे हो उसकी, मेरे ऊपर हेल्थ बार देखो आप लोग, ग्रीन रंग की बार देख रही है आप लोगों को, ये जब गोलियाँ मार रहा है भाई कितनी जल्दी पावर जा रही है हम लोग, तो मुझे यहाँ पे लगता है अपनी हेल्थ यूज़ करनी पड़ेगी। बट कोई बात नहीं, हम लोग टैप करते हैं हमारे हेल्थ पावर की तरफ, क्योंकि भाई ये ऐसे बचेगा नहीं। सही है, देख लिया कितने लोग मारने हम लोगों को भाई, 2 लोगों को हम लोगों को हेडशॉट्स और मारना है, फिर मैं अपनी पूरी जान से जो ड्रैगन है हमारा फैंटम इस पर ऐसी गोलियाँ बरसाऊंगा, मतलब धेम मुक्के पे मुक्के लात पे लात, देखना आप लोग यहाँ पर। बढ़िया, एक लास्ट बंदा और मारना है। अबे भाई कुछ हिल जाए निकल जाए, क्या कर रहा है यार, लगता है मुझे यहाँ पे फिर दोबारा अपनी हेल्थ यूज़ करनी पड़ जाएगी ये देखो इसकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज स्पीड है उसकी। अबे एक मिनट यार, मैं अपनी कवर क्यों नहीं चेंज कर रहा, मेरे दिमाग में लेट आया। अब बिजली वाले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर ना एक बंदे का हेडशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग अपना करेंगे पूरा फोकस ड्रैगन की तरफ, ठीक है। अब यार डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना कि हम लोग पहले इंसान को मारें, मतलब नॉर्मल सोचिस में पहले ड्रैगन को मारें, तो बहुत दिक्कत है। 5 हेडशॉट हम लोगों ने ले लिए, यहाँ फेंकता हूँ ग्रेनेड, इसको मारता हूँ, ये जब गायब होगा ना फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर कवर को चेंज, तो हम लोग ऐसे खेलने वाले हैं, ठीक है। मैं लोगों को नहीं मारा, मैं इसको मारा, क्योंकि भाई इसकी गोली का डैमेज बहुत तेज आ रहा है और हम लोग ऐसे में जल्दी मर सकते हैं, देख रहे हो आप लोग। मैं नॉर्मल लोगों को मार ही रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा फोकस इसके ऊपर है, कवर चेंज किया हम लोगों ने यहाँ पर। अब उसका ध्यान दूसरी तरफ होगा, पहले मारते गेट इसकी तरफ, अब दोबारा अटैक करते हैं इसकी तरफ हम लोग यहाँ पर। कितने मरना है इसके यार, अभी कितनी हेल्थ बची है इसकी, बहुत तेज भाग रहा है यार ये, मतलब आप जैसे ही एम करते हो कहीं और पर कहीं और भाग जाता है देखो पर कोई बात नहीं, आप लोग जानते हैं आपके जीनो भाई की स्किल भाई एकदम ताबड़तोड़ है, इसकी उंगलियों से लेकर इसकी कमर तक हम लोग सब तोड़ देंगे। यहाँ पर चढ़ गया ऊपर की तरफ, आई गेस यहाँ पर भी मरने ही वाला होगा, है ना, पहुंचे ऊपर दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर, बहुत ही शानदार। इसे कहते हैं भाई धमाकेदार किल। अनलॉक करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारी जो ब्लैक अल्टीमेट, जैसे देखते हैं हम लोग भाई क्या रिवॉर्ड मिलता है इस बार। सही सही सही, हो चुका है हमारे यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 11 है ओशन प्लेटफॉर्म अनलॉक, देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे सिर्फ 2 और चैप्टर पर हमारे यहाँ पे गेम का एंड हो जाएगा और हम लोग फाइनली मूव कर पाएंगे भाई बाकी गेम्स की तरफ का। इस तो आप लोगों को मजा आता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट दिखाएं भाई, मेक श्योर करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।